हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कार लेके निकले थे, हल्का सा सो के उठे थे एंड फिर से गाड़ी का इंजन जो है वो हीट हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत है। अब इसको जाके सीधे हम कंपनी पर डाल रहे हैं सर्विस सेंटर पे, और आज थोड़ी हवा टाइट करते हैं, वहीं पर डाल देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या दिक्कत है। पता नहीं मैं क्या सोच के फिर से टाटा आ गया हूँ। आधा घंटा हो चुका है बैठाए हुए हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है सही से। गाड़ी हीटेड थी, गाड़ी इतनी देर में तो नॉर्मल बीच में आ चुकी है वापस से, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक चेक भी नहीं हुई है गाड़ी। बैठे बैठे सिर्फ वेट कर रहे हैं, एक घंटे से ऊपर हो चुका है एंड अभी तक कोई गाड़ी देखने तक नहीं आया। सिर्फ गाड़ी की लोकेशन बदल रही है, पहले बाहर खड़ी थी, फिर थोड़ा और आगे बढ़ी, फिर थोड़ा और आगे बढ़ी, फिर अंदर आई, यहाँ तक पहुँची है, लेकिन अभी तक कोई अंदर आके देखने नहीं आया चेक करने की प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में। अब मूड हो रहा है ख़राब यार, क्या बताऊँ मैं। इतनी घटिया सर्विस है एक तो टाटा वालों की, किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाओ साला यही हाल है। मैम एक काम करिए, गाड़ी निकलवा दीजिए मेरी। क्या हुआ सर? कोई नहीं, चेक कर रहा है। आधा घंटा फिर हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर ही हो रहा है। मैम तब से वेट ही कर रहा हूँ मैम, इतना एक्चुअली खाली टाइम नहीं है, मैं बाहर करवा लूँगा। तीसरी बार आ रहा हूँ इस सर्विस सेंटर और तीनों बार मुझे बहुत ही घटिया सर्विस मिली है। हाँ टाइम की कोई दिक्कत नहीं, एक बार इशू चेक कर किया जा सकता है ना, बताया जा सकता है कि क्या दिक्कत है। टाइम लगे तो मैं जाऊँ, जल्दी हो जाए तो लेके जाऊँ। तो यहाँ से लगातार पानी टपक रहा है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पानी इसमें रुक नहीं रहा है बिल्कुल, इसीलिए हीट हो रही है। ग्यारह बजे के आए और दो बज गए, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। अब तो मुझे नींद भी आने लगी है गाड़ी में लेटे लेटे। ये भाई साहब लैपटॉप रख के चले गए हैं चेक करके, आगे इससे ज़्यादा तो मैंने देख लिया, मैंने नीचे पाइप देख लिया कि पाइप पानी टपक रहा है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। गाड़ी ऐसे बोनर उठा के निकल गए कहीं। तो यहाँ पे ये जो पाइप है ना, इस पाइप में बड़ा सा होल हो गया, और कैसे हुआ आई डोंट नो, बट ये होल आपको दिख रहा होगा, आई थिंक जल गया। ऐसा लग रहा है गर्मी पाके हीट होके जल गया और यहाँ से लीकेज होना शुरू हो गया है, तो इसी वजह से गाड़ी हीट कर रही है। तो मुझे टाटा से यही उम्मीद थी, गाड़ी मुझे छोड़नी पड़ रही क्योंकि इनके पास कूलेंट पाइप नहीं है, ऑर्डर किया है, कह रहे हैं कल तक आएगा, तो मुझे गाड़ी छोड़नी पड़ रही है यहाँ पर एंड जा रहा हूँ घर पैदल। उम्मीद तो मुझे यही थी सुबह से बिना खाए पिए कुछ बैठा हुआ हूँ कि आज काम हो जाए, फालतू मेरा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन टाटा टाटा आई हेट टाटा सर्विस, आई हेट। सर्विस कराने से पहले गाड़ी फूंक दो, इतना पैसा होना चाहिए टाटा की गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो दिमाग ख़राब हो गया यार। अब देखते हैं कैसे घर जाना है, टेम्पो वेम्पू करके ही जाएंगे और कैसे जाएंगे यार, पैदल जाएंगे क्या? आज बहुत दिन बाद यार, मतलब सालों बाद कह सकते हो, 5-6 साल बाद मैं ऑटो में बैठा होऊंगा एंड भूख बहुत तेज लगी तो हम बीच में ही उतर गए वैसे, क्योंकि हमें कुछ खाना है तो यहाँ रोल वगैरह कुछ खा लेंगे। रुक जाओ भैया, आज हमें पैदल रोड क्रॉस करनी पड़ रही है। अरे भाई ये देखो, ये एक टास्क होता है भाई इंडिया में कि रोड क्रॉस कैसे करते हैं, बहुत ही जिगर के साथ यहाँ रोड क्रॉस करनी होती है। बहुत गंदी धूप है यार, बहुत गंदी धूप है। कुछ रोल रोल खा लेते हैं क्योंकि सुबह से भाई कुछ नहीं खाया है यार, बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तगड़ी भूख लगी है। तो भाई अपन ने रोल पैक करा लिए, अब रोल खाएंगे, थोड़ी भूख मिटाएंगे। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं एंड अब थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए एकदम, आई एम टायर्ड नाउ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये लगे हुए हैं अपने काम पे इसीलिए आ नहीं पाए थे, देख रहे हो। नहीं चाय, तुम कब आए? चाय कब आए? चाय बना दी, चाय। ये वर्ल्ड क्लास स्नैक्स हैं जो इवनिंग में हम खाते हैं एंड वन लाइफ। इधर हमारे पास चाय
इसको क्यों खाया जाता है? नॉलेज इज पावर। समझ रहे हो ना? लिया चना, नहीं नहीं लिया चना, नमकीन, प्याज एंड नमक। तो गाइस बज रहे हैं 8:58 शाम के और मैं सो गया था। जब मैं लौट के आया वहाँ से, उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गया एंड बहुत मतलब टायर्ड फील कर रहा था, जिसकी वजह से मैं सो गया। क्योंकि रात भर मैंने काम किया था एंड सुबह 6 या 7 बजे मैं सोया था और 10 साढ़े 10 बजे उठ गया था। फिर वर्कआउट करने के लिए जा ही रहा था कि ये कांड हो गया। वो कांड होने के बाद मुझे सीधे सर्विस सेंटर भागना पड़ गया भाई। कार अपनी वहीं पड़ी हुई है, बाकी हम निकले हुए हैं अपनी पुष्पा से। हमने सोचा वर्कआउट कर लेते हैं, अचानक से जब हमने टाइम देखा 9 बज रहा है, हमने कहा 1 घंटा बचा है अभी वर्कआउट हो सकता है, तो वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। फटाफट हमने पुष्पा स्टार्ट करी और जिस पोजीशन में थे, मतलब ज़्यादा सजना सवरना हमने नहीं किया, लोअर हमने पहनी, फटाक से हमने बैग पैक किया, बैग पैक रहता ही है ऑलरेडी। हमने प्रोटीन शेक के लिए बॉटल डाली ताकि उसमें ग्लूकोज ले सकें। बस निकल चुके हम, अब फटाफट वर्कआउट करेंगे एंड देन कुछ सोचेंगे। पहले वर्कआउट बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ भाई तो पहुँच गए, फटाफट वर्कआउट करें। तो गाइस वर्कआउट हो गया खत्म एंड अब घर जाने का टाइम आ गया है। चलो बाबा जिम। अगर मैं कंटिन्यू 1 महीना जिम कर लेता हूँ तो बॉडी बहुत ही तगड़ी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। 3-4 किलो वेट तो बढ़ ही जाएगा एंड मेरा 80 किलो वेट हुआ करता था, अब मेरा वेट 73 kg है ओनली। 7 kg वेट ऑलरेडी कम हो चुका है, और ज़्यादा कम था ये तो बढ़ा हुआ है 1.5 kg और। थोड़ा सा बाइक भगाने का मन कर रहा है तो 1 राउंड मार लेते हैं इधर से, उसके बाद चलते हैं घर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया रुक जाओ। हाँ 150 150 150 यार मेरा ना पुष्पा से ट्रिप करने का बहुत जोरों से मन कर रहा है, बट यही है कि नंबर प्लेट नहीं आई है तो हम अपना स्टेट नहीं छोड़ सकते हैं प्रॉपर। देखा जाए तो कई सारे रूल्स होते हैं, या तो फिर वहाँ पुलिस अगर रोकेगी तो हमें बहुत सारा नाटक करना पड़ जाएगा, तो देखते हैं यार। हम इधर भगा सकते हैं तो थोड़ा सा, अरे 150 तो ऐसे पहुँचती है ना भाई, मज़ा आ जाता है एकदम। वाओ मैन वाओ, इधर कहीं काला खट्टा नहीं मिल रहा यार, अपन का काला खट्टा खाने का मन कर रहा है। ये बाइक बहुत से लोगों का अट्रैक्शन है, मतलब मैं कहीं से गुजर जाऊं हल्का सा साउंड आता है तो लोग पलट के ज़रूर देखते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई रिएक्शन रिकॉर्ड करो, भाई रिएक्शन रिकॉर्ड करो, तो उसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। ऐसा नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं रिएक्ट करूँगा तो थोड़ा सा मज़ा कम आएगा, एंड अगर प्लान करके थोड़ा सा एग्जॉस्ट वगैरह लगवा के मैं रिकॉर्ड करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कंटेंट के लिए। एंड हम आ चुके हैं गोमती नगर। मज़ा आ जाता है अपनी पुष्पा के साथ। एंड इस बाइक में तो ट्रिक सीखी है मैंने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है। जैसे कि इसमें फ्यूल गेज नहीं है तो उसके लिए एक ट्रिक सीखी है मैंने, एंड एक ट्रिक और है। हाँ देख लो देख लो देख लो भाई देख लो, देखने का पैसा नहीं पड़ता, जरा सा थ्रोटल ले लो और कोई पलट के ऐसे देख लेता है। अब हम लगाएंगे क्रूज एंड सेट कर देंगे ऐसे 48 पे एंड ये चलती रहेगी हमारी गाड़ी मस्त। ये देखो कैसे देख रहे हैं, ऐसे पलट पलट के देख रहे हैं भाई साहब। चल वाह, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीके से देखो भाई। तो फाइनली गाइस इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो फटाफट, लिंक नीचे दिया हुआ है। चलो बाय बाय।